दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक व्यक्ति कितने बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इनकम टैक्स के किसी भी सेक्शन में यह कहीं नहीं बताया गया है कि एक व्यक्ति आखिर कितने बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने ज़रूरत के अनुसार जितना चाहे उतने बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन दोस्तों मेरे समझ से आपको अधिक बैंक में सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि आखिर ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, हर बैंक के अपने अपने टर्म एंड कंडीशन होते हैं, सभी बैंक के अपने अपने चार्जेज होते हैं, हर बैंक के एक अपना MAB चार्ज होता है, मतलब कि मंथली एवरेज बैलेंस चार्ज। अगर आप कोई भी बैंक में जितना उसका कि उस बैंक में आपको अमाउंट मेंटेन करके रखना है, अगर आप उतना अमाउंट मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं तो फिर आपसे MAB चार्ज यानी मंथली एवरेज बैलेंस चार्ज काटा जाएगा। फिर हर बैंक SMS चार्ज भी काटता है, हर बैंक पर क्वार्टर जितना जिस बैंक का चार्ज निर्धारित है उतना वह चार्ज काटता है। फिर उसके साथ ही साथ अगर आपने अपने अकाउंट में ATM कार्ड इशू करा रखा है तो फिर हर बैंक प्रतिवर्ष हर एनुअल में आपसे एनुअल चार्ज काटता है। तो दोस्तों सभी सेविंग अकाउंट में आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा, सारे अकाउंट में आपसे SMS चार्ज काटे जाएंगे, और ATM का जो एनुअल फी होता है वो भी प्रतिवर्ष काटा जाएगा। इसके अलावा बैंक के अपने और कई तरह के चार्ज होते हैं, इसलिए दोस्तों मेरे समझ से आपको जितना ज़रूरत है आप उतना ही सेविंग अकाउंट खुलवाएं। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, वहाँ ऐसा कोई भी बंदिश नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कितना सेविंग अकाउंट खुलवाएगा। इसलिए आप अपने ज़रूरत के अनुसार, आप अपने पसंद के मुताबिक जितना बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहें आप उतना खुलवा सकते हैं। इनकम टैक्स आपको ऐसा कोई भी बंदिश नहीं लगाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।